हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने वाले हैं, बहुत कुछ नया समझने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपकी मेंटल इलनेस, जो आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपके फियर्स, आपके फोबियाज हैं, उनको दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ से एक आपको आइडिया मिलेगा, एक तरीका आपको समझ में आएगा, और उस तरीके को अपना करके, उस टेक्निक को फॉलो करके आप अपने उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर आ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ अफर्मेशन कि क्या अफर्मेशन करके, अपने आप को अफर्मेशन दे के, क्या आप अपनी OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया को ठीक कर सकते हैं। ये अफर्मेशंस किस तरह से आपको हेल्प करेगी और किस तरह से आपकी उस बीमारी को, उस OCD को, उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, उस डिप्रेशन को, उस एंग्जाइटी को, वो फियर्स को, उन फोबियाज को कैसे दूर करेगी, डिटेल्स में हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अफर्मेशंस मीन्स वो सुझाव जो हम अपने आप को बार बार देते हैं। ये नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब तक जो भी आपने सुझाव दिए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशंस आपके अंदर गई हैं, वो आपके लिए अफर्मेशन बन गई, और आपका उन अफर्मेशन से, उन इन्फॉर्मेशन से, उन सुझावों से, उन जानकारियों से, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो गलत तरीके से ट्रेंड हो चुका है, जिसकी वजह से आज आपको एंग्जाइटी या OCD या डिप्रेशन, फोबियाज और बहुत सारा फियर्स है। और ये अफर्मेशन आपको हेल्प करेंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम करने के लिए। वो सुझाव हम बार बार देंगे, जिससे सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा रूट कॉज है, जो अनकॉन्शियसली आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, बहुत सारे ऐसे ही आपकी मर्जी के बिना विचार आ जाते हैं, आप उनसे डर जाते हैं, बहुत सारी पास्ट मेमोरीज हैं आपके पास, उनसे आप डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। इस तरीके से जब आप अफर्मेशन देते हैं, अफर्मेशन देना मतलब कुछ पॉजिटिव सुझाव देना, कुछ पॉजिटिव अपने आप को बोलना, जैसे कि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एक अफर्मेशन है, ये सुझाव है अपने आप को वो दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे उसकी फीलिंग्स के ऊपर, जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं एंड इमोशंस हैं, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, और वो इस बात को पक्का कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये बात उसके मन में फीड हो चुकी है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और उसको ये बात लगने लगेगी कि मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। उसकी वो कैपेबिलिटी है, बॉडी लेवल पर देखें कि वो कुछ कर सकता है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल कि एक व्यक्ति है और वो कहता है कि मैं 50 kg वेट नहीं उठा पाऊंगा या नहीं उठा सकता। ये उसने अपने आप को सुझाव दिया, तो जैसे ही उसने वो सुझाव दिया तो उसने अपने आप को वैसा मानना भी शुरू कर दिया। अब यहां पे ये पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है, पॉजिटिव अफर्मेशन ये है कि मैं कर सकता हूं, मैं ये 50 kg वेट उठा सकता हूं। अगर कोई बंदा ये 50 kg वेट नहीं भी उठा सकता, लेकिन वो अपने आप को बार बार बोल रहा है कि मैं उठा सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये 50 kg वेट उठा सकता हूं, या जो भी उसकी संभावनाएं हैं, मैं वो चीजें कर सकता हूं, तो वो आज अगर नहीं कर पा रहा, आज अगर वो चीज नहीं कर पा रहा, लेकिन आने वाले कुछ ही टाइम बाद वो चीजें कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने आप को वो अफर्मेशन, वो सुझाव पॉजिटिव दे रहा है कि मैं कर सकता हूं, तो वो अपने आप को तैयार कर रहा है कुछ करने के लिए। और वही सेम एक नेगेटिव पर्सन अपने आप को तैयार कर रहा है कुछ जो हो सकता है वो नहीं करने के लिए। तो इसलिए ये अफर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, ये आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस के ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं। ये एक दिन में इनके रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों। इन अफर्मेशन को, इस तरीके को जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही गहराई से महसूस करके, रियलाइज करके, अगर आप अपनी लाइफ की
लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ अफर्मेशन बना लेते हैं, आप खुद बना लेते हैं या काउंसलर्स के साथ मिलकर के या आप हमारे साथ मिलकर के अपनी उस प्रॉब्लम्स की, जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं उसकी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बना लेते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी हटने लगेगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम होने लगेगा। ये अफर्मेशन काम करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम करने के लिए। तो इसलिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हर रोज करनी है, हर रोज अपने आप को वो पॉजिटिव सुझाव देना है जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम हो और वो आपको हेल्प करे हर एक चीज को अचीव करने के लिए और उन तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए जो बीमारियां अभी आपको हैं। वो कौन सी बीमारियां? डिप्रेशन, एंजाइटी, आपके फियर्स, आपके फोबियाज, आपके और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओसीडी है जैसे। तो अगर आप उनको ठीक करना चाहते हैं तो इस अफर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना होगा, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव अफर्मेशन देंगे कि मैं नहीं कर सकता, आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं कि यस मैं कर सकता हूं, तो उससे आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स के ऊपर पॉजिटिव तरीके से असर पड़ेगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा और आपको वो हेल्प करेगा आपके लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप भी किसी साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम में हैं, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, नेगेटिव विचारों से प्रॉब्लम है, ओवरथिंकिंग है, तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं 1-to-1, और उस ऑनलाइन कॉल पर काउंसलिंग आप कर सकते हैं और उस काउंसलिंग से आप अपनी किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल लेवल पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आपने फ़ोन करना है, मेरे से बात करनी है और अपनी उस प्रॉब्लम का आपको हल ले लेना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।